गाइस अगर आप लोग भी अपना पिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो यानी कि गाइस आप लोग का बीच गेम पर 999 प्लस हो जाता है और इस वजह से गाइस आप लोग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और आप लोग इस वजह से काफी और गेम पर एलिमिनेट भी हो जाते हो, तो इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा इसका 100% सॉल्यूशन, जिन टिप्स को गाइस जिन सेटिंग्स को करने के बाद आप लोग का पिंग प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा और आप लोग का कभी भी पिंग हाई नहीं होगा, और हाई होगा तो आप लोग इजीली सॉल्व खुद कर लोगे, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि गाइस काफी अमेजिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ही में बन के लाइक आप लोग कंप्लीट करा दीजिएगा, और जो भी आज से पहले चैनल पर नया आ रहा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। हाँ तो गाइस आपको कैसे अपना पिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जरा भी आपने स्किप किया और आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स मिस कर सकते हो। अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। टिप नंबर 1, पहले तो आप लोग को अपना गेम ओपन कर लेना है। गेम ओपन करने के बाद गाइस आपको चले जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर आने के बाद गाइस आप लोग को ढूंढ लेना है क्लियर कैच का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग को 2 से 3 बार क्लियर कैच यहाँ से कर देना है, और क्लियर कैच कर देने के बाद गाइस आपको नीचे दिखाई देगा सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से सेंड रिपोर्ट भी 3 से 4 बार कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ से गेम को कर देना है कट। कट करने के बाद गाइस आप लोग को होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद गाइस आपको ऐप को होल्ड करके रखना है, फिर आप ऐप इन्फो में चले जाना, ठीक है। ऐप इन्फो पे आने के बाद गाइस देना यहाँ से क्लियर कैच, बस गाइस आपको दोनों जगह से गेम के अंदर भी क्लियर कैच करना है और गेम के बाहर ऐप का भी क्लियर कैच करना है। टिप नंबर 2, जब भी गाइस आप लोग गेम खेलो तो गाइस आप लोग को याद रखना है जब आप लोग अपने टीममेट से बात करते हो तब भी गाइस पिंग बहुत ज्यादा हाई होता है, तो गाइस इस बात को आप लोग जरूर नोटिस करना कि आप लोग जब बात करोगे तो आप लोग का पिंग ऑटोमेटिक हाई जाने लगेगा, तो आप लोग को बात करके अपना माइक को एकदम ऑफ करके रखना है। कई बार होता क्या है आप लोग बात करते हो और गाइस माइक ऑन रहने देते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना माइक ऑफ रखना है, और हो सके तो गाइस अगर साउंड को भी आप ऑफ करना चाहो जो माइक के नीचे रहता है उसको भी ऑफ कर देना जिससे टीममेट की आवाज ना आए, ठीक है। तो उससे भी आपका काफी ज्यादा पिंग हाई प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। टिप नंबर 3, इस पर गाइस आपको करना क्या है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद गाइस आप लोग को चले जाना ऐप्स पर, ठीक है। ऐप्स पर आने के बाद गाइस ऐप्स मैनेजमेंट पर, ठीक है। यहाँ आने के बाद गाइस जितने भी ऐप्स आप लोग के बैकग्राउंड पर डेटा को यूज करते हैं तो गाइस इनको आप लोग को बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से करना क्या है, जैसे कि गाइस मेरा यह है एयरटेल ऐप, इसको ओपन किया मैंने, फिर गाइस यहाँ देखो डाटा यूजेज, इस पर जाना, फिर आप लोग को ये देखो बैकग्राउंड डेटा ऑन है यहाँ से, यानी कि गाइस जब मैं गेम खेलूंगा या कुछ भी करूंगा तो गाइस ये बैकग्राउंड पर डाटा यूज करते रहेगा। तो गाइस करना क्या है, बैकग्राउंड डेटा को इसे ऑफ रखना है, जितने भी ऐप्स हैं आपके डिवाइस पर सबको ऑफ कर देना, जो आपके काम के हैं सिर्फ उसको बस आप लोग ऑफ मत करना, ठीक है। टिप नंबर 4, अब गाइस आपको करना क्या है टिप नंबर 4 पर, आप लोग को चले जाना है यहाँ नेटवर्क पर इंटरनेट कनेक्शन पर, इसको होल्ड करके रखना है, या गाइस आप लोग मोबाइल नेटवर्क पर का ऑप्शन ढूंढ लेना सेटिंग्स पर जाके, गाइस यहाँ आ जाना आप लोग। यहाँ आने के बाद गाइस जो भी सिम से आप नेट चलाते उस पर जाना, ठीक है। मैं आ गया, ये देखो, उसके बाद आप लोग को यहाँ देख रहा होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस पर आप लोग जाना, उसके बाद आप लोग को 3 डॉट पर क्लिक करना और यहाँ से गाइस आपको रीसेट कर देना है इसको, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं मैं रीसेट आपके सामने कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग को 2 से 3 बार यहाँ से कर देना है। कभी कभी होता क्या है एक्सेस पॉइंट नेम सही से वर्क नहीं करता जिससे आप लोग को नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, इसको आप लोग रीसेट कर देना हफ्ते में 1-2 बार। उसके बाद कैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा रिपेयर नेटवर्क टाइप, तो कैसे अगर आप लोग को ये 3G 2G पर है तो कैसे आप लोग इसे कर लेना 4G पर सिलेक्ट, बस गाइस आपको इतना कर लेना है। अब गाइस बढ़ते हैं अपन टिप नंबर 5 की तरफ, यह है गाइस एकदम लास्ट टिप, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना इस टिप को, क्योंकि इस पर आप लोग को करना क्या है, जब भी गाइस आप लोग का पिंग प्रॉब्लम होता है आप ये सभी कुछ टिप्स को फॉलो कर चुके हो, ठीक है। आप लोग नहीं कर रहे हो आप लोग ने फॉलो पूरा, ठीक है ना, आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो गाइस आप लोग ने सभी कुछ समझ लिया होगा। तो गाइस आपको करना क्या है, इस पर आप लोग अपना एरोप्लेन मोड लगाना है। एरोप्लेन मोड लगाने के बाद गाइस आप लोग 1 से 2 सेकंड बस उसे लगे रहने देना, उसके बाद गाइस उसे आप लोग वापस से ऑफ कर देना, फिर आप लोग देखना आप लोग का नेटवर्क है जो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, एकदम मस्त चलने लगेगा और आपका पिंग एकदम 50 पर चलेगा, मतलब बहुत अच्छा चलेगा। मेरा गाइस 50 पर अप्रोक्स चलता है, तो आप लोग एरोप्लेन मोड का जरूर यूज करना। हाँ गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस जो भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो गाइस उनके लिए मेरी तरफ
अगर आप गाइस बोनस टिप तो आप लोग यूज कर सकते हो। पहला तो गाइस आप लोग के बैकग्राउंड पर कोई ऐप से चालू हो तो गाइस उनको आप लोग रिसेंट से एकदम हटा देना, सिर्फ गाइस आप लोग गेम बस को अपने चलने देना, ये गाइस बोनस बन टिप। और गाइस आप लोग को जहाँ अच्छा नेटवर्क कनेक्शन मिल रहा है आप लोग को वहीं जाके गेम को खेलना है जिससे आपका पिंग अच्छा चले। हाँ गाइस, अगर आपको इन सभी से भी अभी तक पिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो यानी कि गाइस समझ लो उस समय फ्री फायर सर्वर पर काफी ज्यादा लोड होगा, इस वजह से गाइस आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि गाइस प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्टिव होंगे उस समय पर, तो आप लोग किसी और समय पर खेल के देखना तो आपका पिंग भी सॉल्व हो जाएगा या गाइस ग्लिच भी हो सकता है उस दिन। अगले दिन ट्राई करना इन सब टिप्स को यूज करके तो आपका 100% फिक्स हो जाएगा।